बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही झटपट से रेडी हो जाने वाली रेसिपी, और वो है चॉकलेट सिरप। और हम बनाएंगे केक पे जो सिरप लगता है चॉकलेट वाला, और आप घर में अब आसानी से बना सकती हैं, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच हम चीनी डालेंगे, 4 से 5 चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे, ठीक है जी। और इसमें हमने लेना है, ये है कॉर्नफ्लोर, और हमने 1 टीस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं थिकनेस के लिए, ठीक है, ताकि थिक हो जाए। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और हम तकरीबन इसमें 1/2 कप डालेंगे ऑयल। अभी हमने इसको कुक भी करना है, लेकिन हम पहले इसके मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। इसमें अगर और दूध डालना हो तो आप डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं हम डालेंगे। अच्छा जी, अब ये मिक्सचर हमारे पास रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने ये एक पैन ले लिया है, और फ्लेम बिल्कुल हमने नीचे हम रखना है। तमाम मिश्रण को हम इसमें अच्छे से डाल देंगे, इससे हम इसको पकाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, और इसलिए मैंने सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लिया कि अगर हम इसमें डालते सारा कुछ दूध में भी इधर मिक्स करते तो फिर गुठलियाँ बनने के चांस जो थे वो ज़्यादा होने थे। तो बस आपने चम्मच चलाते जाना है और फ्लेम लो रखना है। और हमने ये जो इसमें कोको पाउडर ऐड किया है वो हमें चॉकलेट का फ्लेवर देगा, ठीक है। और जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो इसमें थिकनेस बढ़ाएगा, ठीक है। और आपने जब इस टाइम 2 से 3 मिनट तक ये पकना स्टार्ट हो जाए हल्की आंच पे, तो आपने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते जाना है ताकि ये देखिए नीचे ना लगे और अच्छे से पक जाए। तो देखिए माशाल्लाह से थिकनेस आ रही है इसमें। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जो है ना ऑयल का डाल लेंगे, घी का, ठीक है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन डाल लीजिए, देसी घी है तो वो डाल लीजिए, देसी घी से और भी ज़्यादा फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा जी, आप देखें बिल्कुल, ये देखें मैंने लो फ्लेम रखा इसमें, और ये देखें माशाल्लाह से हमारा सिरप जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, या बना के हर टाइम फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी बेकरी की चीज़ बनाएं तो उसमें ये ज़रूर हम शामिल करते हैं, ऊपर लगाते हैं, तो बहुत ही मज़े का हमारे पास ये सिरप रेडी है। अच्छा जी, ये हमारा चॉकलेट सिरप बन गया बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें और सबके साथ शेयर करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।